हेलो दोस्तों, मैं हूं के आर मिश्रा। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। सभी के क्वेरी का आज मैं जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो जो बच्चे नए हैं वो भी इस वीडियो को देखें, जिन जिन को कॉलेज मिल गया वो भी देखें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ही लोग पूछे हैं, और जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है वे लोग भी ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच करें, ताकि उनको भी कोई भी क्वेरी उनके मन में जो उठ रही है निश्चित रूप से इन्हीं क्वेरी में निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी के कमेंट का जल्दी जल्दी रिप्लाई दे रहा हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और सभी के कमेंटों का रिप्लाई भी दे दूँ। ठीक है, पहला क्वेरी यहाँ देख सकते हैं आप कि भाई एमपी पॉलिटेक्निक का कांटेक्ट नंबर क्या है और क्या मैं उनके नंबर पर बात कर सकता हूँ एडमिशन में के बारे में। ठीक है भाई, मेरा 55,000 रैंक है, अभी तक नहीं मिला ओबीसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच। दोस्त 55,000 की बात करते हैं, 57,000 पे एक बच्चे को, अभी आगे कमेंट आप देखेंगे, उनको 57,000 पे गोरखपुर का ब्रांच मिल गया, अच्छा ब्रांच मिल गया है, वो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जो राजकीय पॉलिटेक्निक है गोरखपुर का, वह प्राप्त हो गया है। तो फिर आपको 55,000 पे क्यों नहीं मिलेगा? फोर्थ राउंड काउंसलिंग में 100% मिल जाएगा, घबराइए मत। आज जहाँ तक कि कॉन्टैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, तो आप महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ दो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा। फिर भी बात कर लीजिए, बात करेंगे खड़ूसी से, आपके साथ बात किया जाएगा, आप एक एक कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होगी, कुछ भी कहेंगे वो लोग इग्नोर कर देते हैं, मेरे देखने अच्छा नहीं है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको फोर्थ राउंड काउंसलिंग में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे कई बच्चे फ़ोन किए थे पिछली बार, ठीक है, उसके बाद से सर हमसे कहें कि सर वहाँ के प्रिंसिपल का जो बहुत खड़ूस हैं, बहुत वैसे बात की, नंबर निकलवा के हम फ़ोन किए, वो बदतमीजी ऐसा बात कर दिए, तो आप फ़ोन क्यों करेंगे? ठीक है, एक तरीके से सुनवाई नहीं होती, आप जैसा आप लोग समझते हैं वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चीज़ें बदल दी जाती है, तो ऐसा कमेंट है, मैं कमेंट भी आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, ऐसे कमेंट मेरे पास आए हैं, हालांकि मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ कहीं ना कहीं, तो निश्चित रूप से आप फ़ोन नहीं करें तो बेहतर है, नहीं तो आप आपकी इच्छा हो तो कर ही लीजिए, नहीं तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, फोर्थ राउंड काउंसलिंग आपको मिल जाएगा, ज़्यादा परेशान मत रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है आपका, सर मेरा DB यानी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन 1 से 3 के बीच में होना था, तो मैंने करा लिया और फीस भी दे दिया 3,250 और 16,000। ठीक है, मुझे MP GKP मिला है, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से हूँ, तो मुझे अभी और फीस जमा करना होगा और मेरा एडमिशन कब होगा? देखिए, अब जल्द से जाइए कॉलेज में, आज ही चले जाइए कॉलेज में, और वहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसा पिछला वीडियो में आता है, वो पिछला वीडियो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्या क्या आपको ले जाने हैं। ठीक है, वो नोटिस में लिखा है, वे सारी चीज़ें आप लेकर जाइए, वहाँ पे एडमिशन लीजिए। ठीक है, और देखिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच जो है ना, वो अधिकतर सेकेंड शिफ्ट में चलता है, क्योंकि उसके बच्चे अगर पूरे हो नहीं पाते हैं कि दोनों शिफ्ट में वो पढ़ें, ठीक है, तो अधिकतर वो सेकंड शिफ्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं पिछली बार भी और अब की बार भी देख रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा था तब भी और अब भी, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में ही आते हैं, केवल एक बैच चलता है उनका सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट में जब भी आपका रहेगा तो आपको 6,000 और लगेंगे। ठीक है, तो टोटल अभी आगे देखिएगा अभी कि 26,000 लोग जमा किए हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको भी जाएंगे तो फीस जमा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था आप कर लीजिए और आज ही चले जाइए कॉलेज। ठीक है, 10 बजे आप कॉलेज पहुंच जाइए। ठीक है, और वहाँ सारे नोटिस को पता करिए। 5 सितंबर से एक बच्चा गए थे वहाँ, ऐसे में कमेंट में भी आप देखेंगे एक बच्चे गए थे और वहाँ पे कह रहे हैं 5 सितंबर से कॉलेज प्रारंभ हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको देरी नहीं करना चाहिए इन चीज़ों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेरी है आपका, सर मुझे MP पॉलिटेक्निक में, यहाँ पे देखिए, सर मुझे MP पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल मिला है, मैंने फीस भी 19,000 जमा कर दिया है, लेकिन मुझे कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, क्या मेरा मुझे फ़ीस रिफंड मिल सकता है? मेरे बाबू, ये थोड़ा बहुत दिक्कत वाली आप बात करती हैं। ठीक है, कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, ये बात सही है, मुझे भी नहीं पसंद आया था, लेकिन मैं किसी तरीके से कर लिया। ठीक है, हमें भी, लेकिन हमें क्या है, हमें तो अच्छी चीज़ें ही बतानी पड़ती है, ज़्यादा मैं प्राइवेसी वगैरह नहीं बता सकता कैसा वो है,
कॉलेज तो मुझे भी नहीं पसंद आता है, लेकिन मैंने पढ़ लिया है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फीस जैसे रिफ़ंड की बात है तो इसके लिए आपको बड़ा मुश्किल है, होता नहीं है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल से बात करें, अगर प्रिंसिपल सर ऐसा कहें, कर देने की कोशिश करें तो हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। जान लीजिए बहुत दिक्कत होता है इन सब चीज़ों में, फीस वापस नहीं होता है। कभी कभार ऐसे होते हैं कि लोग एक साल पढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं कि फीस स्कॉलरशिप आ जाती है, फिर कॉलेज छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं बहुत ऐसे। मैक्सिमम बच्चे, जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, कम से कम मेरे कॉलेज के 7 से 10 बच्चे पॉलिटेक्निक छोड़ ही दिए हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक की असलियत पॉलिटेक्निक, मैं बार बार यही कहता हूँ, पॉलिटेक्निक वही बच्चे करें जिनका, देखिए दो चीज़ें हैं, पॉलिटेक्निक उन्हें करना चाहिए जिनका खुद का इंटरेस्ट हो कि पॉलिटेक्निक हमें करना चाहिए, ठीक है, पॉलिटेक्निक में इंटरेस्ट हो। दूसरी बात, वे जो बहुत तेज़ पढ़ने में हो, जिससे वो सोच उनको लगे कि लोगों को पायलट वगैरह में या और जेई वगैरह में, ठीक है, उनका एसएससी जेई वगैरह में हो जाएगा, वे बच्चे घबराएं, या वे बच्चे पॉलिटेक्निक करना उनके लिए सही होता है जिन बच्चों का, ठीक है, जिन बच्चों का कोई रेफरेंस होता है किसी कंपनी में, उनके रिश्तेदार या उनके कोई पहुँच, कोई व्यवस्था होती है किसी कंपनी में कि लगवा देंगे अच्छी खासी पोस्ट पर। नहीं तो मेरे भाई, पॉलिटेक्निक करने के बाद जितना बुरा हाल होता ना, कंपनी में 8 घंटे या किसी किसी में 12 घंटे खड़े रखते हैं सब, ठीक है, कंपनी में खड़े रहकर काम करना होता है। तो इसलिए जिन बच्चों पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं वो अलग विषय है कि पॉलिटेक्निक करिए, मैं डिमोटिवेट नहीं करता हूँ किसी को, ठीक है, पॉलिटेक्निक करिए, लेकिन पॉलिटेक्निक के दौरान अलग से भी तैयारी करते रहिए गवर्नमेंट कॉलेजों, गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है, ताकि उसके दौरान अगर आपका कहीं गवर्नमेंट हो जा रहा है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप फिर पछताएंगे। पहली बात तो आपको हमेशा दूर ही रहना पड़ेगा घर से, हमेशा दूर रहेंगे, ABC शिफ्टों में काम करना होगा। जब रात वाले काम आपको दिए जाएंगे ना, जब सी शिफ्ट आपको चलेगी ना, पूरा दिन बेकार हो जाएगा, दिन भर सोएंगे, इधर उधर सोएंगे, पूरा दिन बेकार जाएगा, पूरी रूटीन ही चेंज हो जाएगी, खाना खाने का रूटीन अलग रहेगा, हर शिफ्टों में अलग अलग हो जाएगा, ABC में अलग, हर अलग अलग हो जाएगा, रात को जगना रहेगा, दिन में कब खाना रहेगा, कब सोना रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पॉलिटेक्निक करना मैं उन्हीं को समझाता हूँ जिनका इंटरेस्ट हो, जिनका रेफरेंस हो, या जो बच्चे बहुत तेज़ हो, इंजीनियरिंग करना शौक हो, जिनका JEE निकल जाए और तमाम लोगों को पायलट वगैरह निकल जाए, ठीक है, गवर्नमेंट से संबंधित, या जिनका रेफरेंस हो, या जिनका इंटरेस्ट हो कि नहीं भाई हमें पॉलिटेक्निक करना है, एक इंजीनियर बनना है, ठीक है। और नहीं तो अगर कोई रेफरेंस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, मध्यम वर्गीय हैं, मध्यम बुद्धि वाले भी हैं, वे बच्चे 15-15 साल लग जाते हैं, 30,000 तक नहीं पहुंच पाते हैं, या 30,000 तक ही पहुंच पाते हैं 15-15 साल तक, ठीक है। ऐसे बहुत मैं इंजीनियरों को देख रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर तो बन गए हैं लेकिन कितना पाते हैं, 28,000, कितने साल से काम कर रहे हैं, 14 साल 15 साल, कोई मतलब है नहीं है ऐसा चीज़ों का। इस पर मैं बृहद वीडियो बना दूंगा, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक करना है, ठीक है, पढ़िए, पढ़ाई कोई बेकार नहीं होती, लेकिन उसके दौरान आप अलग से भी मेहनत करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। आपका ये है कि आप जाइए कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क करिए, फीस रिफंड करने का कोई ऑप्शन अगर हो पाए, वो करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी काउंसलिंग चल रहा है, अगर कर देंगे तो आपके सीट पे कोई और आ सकता है, ठीक है। संभवता है कि हो जाना चाहिए लेकिन वो करेंगे नहीं, हमें ये लगता है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ना, लेकिन आप उनसे मिल लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेरी है आपका कि 67,000 रैंक है तो सर MP पॉलिटेक्निक लेने के लिए काउंसलिंग किस तरह करें। देखिए 67,000, 58,000, 57,000 पे लोग ले रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गोरखपुर का, तो आपके 67,000 रैंक पे क्यों नहीं मिलेगा MP पॉलिटेक्निक, 100% मिल जाएगा फोर्थ राउंड काउंसलिंग में, परेशान मत रहे। किस तरह काउंसलिंग कराना, काउंसलिंग का कोई वो नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो MP पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने 2 साइबर कैफ, वहाँ से भी करा सकते हैं, 100% वो सब दिला देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आपको पहले पे MP पॉलिटेक्निक भरिए, एक आध दो काउंसलिंग कराइए, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ में ही मिल ही जाएगा, तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, आपको धैर्य रखने की इच्छा है, बस इतना जानिए, ठीक है, मिल जाएगा पॉलिटेक्निक, कोई दिक्कत नहीं है, MP पॉलिटेक्निक मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है, सर मेरा थर्ड राउंड में तो नहीं मिला MP पॉलिटेक्निक, मेरा रैंक 1,06,000 है, क्या 4 राउंड में मिल जाएगा, अब तक अब
कब तक मिलेगा? तो दोस्तों देखिए, नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मिल जाएगा, फोर्थ राउंड में ही मिल जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ राउंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम, फोर्थ फिफ्थ राउंड में सभी को कॉलेज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, 100% मिलेंगे, ठीक है? धैर्य रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेरी है सर जी, जिनको कॉलेज नहीं मिला है पैसा रिफ़ंड कैसे होगा? 3,250 रुपये। देखिए, पैसा रिफ़ंड होने का ये प्रोसेस है कि आप फ्लोट ऑप्शन का चयन किए होंगे, अगले काउंसलिंग में भाग लेंगे। अगर आपको किसी भी काउंसलिंग में भाग ही नहीं लेना है तो थोड़ा सा ये मुश्किल वाली बात हो गई, ठीक है? ये 3,200 सीट रिजर्व का पैसा लगता है। अगर आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो, और देखिए दो चीज़ें होती है, प्राइवेट कॉलेजों में क्या होता है, 3,250 रुपये ये बाद में आपको कॉलेज छोड़ने पर कुछ 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 किसी किसी कॉलेज में दिया जाता है, लेकिन एडेड कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में बात होती है कि इसी पैसे से और कुछ पैसा जोड़ के आपकी टोटल फीस जमा हो जाती है, तो ऐसे होता है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि आप एडमिशन ही नहीं ले पैसा रिफंड हो जाए, इसका कुछ विशेष ऑप्शन मेरे देखने में अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन मैं आगे देखूंगा क्या है। कि पूर्णतः कमेंट आप करिए कि क्या आप छोड़ना चाहते हैं, कि एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? निश्चित रूप से हो जाएगा। 3,250 रुपये जिस कॉलेज में दिए रहते हैं वो अगले कॉलेज में हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में दूसरा मिला, तो वो 3,250 रुपये और इसमें जोड़ के इस कॉलेज की फ़ीस हो जाती है, ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेरी है कि हाय सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर हॉस्टल हम लोगों को मिल जाएगा तब कब तक वैलिड रहेगा? मतलब हम लोग को मिला रहेगा आपके अंदाज से कोई मंथ? देखिए, आपका पूर्णतः कमेंट साफ सुथरा नहीं लिखते हैं आप लोग, लेकिन इनका क्वेश्चन यह है कि क्या हम लोगों को हॉस्टल मिल जाएगा और हॉस्टल मिलने के बाद कब कब तक वैलिड रहेगा। देखिए, आम तौर पे हॉस्टल आप मैक्सिमम बच्चों को मिल जाता है। एडमिशन लेने के बाद आप वहाँ के हॉस्टल इंचार्ज से संपर्क करेंगे, वो प्रोसेस बताएंगे, फॉर्म वगैरह भराया जाता है, उसके थ्रू आपको हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल का डिटेल वीडियो देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक का, उसमें जाके हॉस्टल डिटेल वीडियो देख लीजिए, कई वीडियो हॉस्टल पर बने हुए हैं, ठीक है? खाना क्या मिलता है, कितने फीस लगेगी, वो सारी चीज़ें हैं। हालांकि अभी 2,500 लग रहा है, 2,500 पर मंथ। इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक से संबंधित देखना पड़ेगा, उसमें आप देख लीजिएगा, सारा चीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है? वैलिड की बात करें तो आपको 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है? फर्स्ट ईयर आप करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए वैलिड होता है, यानी 1 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन उसी में से कम बहुत से बच्चे, कम से कम 40 से 50 बच्चे सेकेंड ईयर में भी रहते हैं और वही बच्चे थर्ड ईयर तक भी रहते हैं, ठीक है? तो ऐसा व्यवस्था होता है, अब टीचर के संपर्क होने से होता है, आप व्यवस्था लगा लेते हैं लोग। तो निश्चित रूप से वैलिड की बात करें तो केवल 1 साल के, 1 साल में मैक्सिमम बच्चों को निकाल दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे हमेशा वहाँ रहते हैं, ठीक है? थर्ड ईयर तक रह जाते हैं, जैसे हमारे दोस्त बहुत ऐसे किए हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 1 साल के लिए सभी को वैलिड होता है। तो निश्चित रूप से अगर आपको हॉस्टल लेना है तो निश्चित रूप से वहाँ के प्रभारी जो होते हैं, हॉस्टल प्रभारी कहा जाता है, वहाँ के जो इंचार्ज हैं, आप एडमिशन के दौरान पूछ लीजिएगा, जल्दी आप कॉलेज जाइए, ठीक है? आज ही चले जाइए आप लोग, जिन 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 बच्चों का एडमिशन हो गया है वो निश्चित रूप से अपने अपने कॉलेज में चले जाएँ। अगला क्वेरी है सर, मेरा MP पॉलिटेक्निक CS में एडमिशन हो गया है, 26,000 लगा है और मैं SC कास्ट से हूँ, तो मेरा स्कॉलरशिप कितना आएगा? अगर आप SC कास्ट से हैं और SC ST होता है ना, उस कास्ट से हैं अगर आप, तो आपकी स्कॉलरशिप पूरी की पूरी आएगी, ठीक है? बात OBC या जनरल की दिक्कत होती है, थोड़ा सा लोचा है उनका, लेकिन आपका जो बात है, आपका 26,000 जमा किए हैं तो आपका मैं 20,000 प्लस आएगा, यानी 26,000 के तकरीबन आ जाएगा आपका, हाँ 20,000 कुछ रुपए आते हैं, यानी आपका 21 से 22,000 लमसम आ जाएगा, 22,000, ठीक है? इतना फी स्कॉलरशिप आपका आ जाएगा, ठीक है? अगर वहीं आप SC ST कैटेगरी के हैं और आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है तो 20,000 होता है, तो आपको पूरे के पूरे 20,000 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका सेकंड शिफ्ट है तो आपको 20,000 कुछ रुपये या 22,000, यानी स्कॉलरशिप भी आ जाता है 2,000,
और फीस भी रिफंड हो जाते हैं, तो इन लमसम 22,000 आपको प्राप्त हो जाएंगे। SC ST कैटेगरी का पूरा आ जाता है, प्लस स्कॉलरशिप 2,000 भी आ जाते हैं, ठीक है। यानी आपको 22,000 के तकरीबन SC ST वालों को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे पूछते हैं कि सर CS का प्राइवेट में पैकेज कितना मिला था 2022 में। ये मत पूछिए तो ठीक ही है, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने वाले बच्चों को बहुत कम पैकेजों पे जाते हैं। तकरीबन आप 13,000 मान सकते हैं CTC, 13,000 से 14,000 CTC पे बच्चे जाते हैं, ठीक है। 14,000 CTC पे जाते हैं, 13,000 कोई भी बच्चा 15,000 CTC से ज़्यादा नहीं जाता है। CTC क्या होता है, इनहैंड कितना मिलता है कंपनियों में, और क्या क्या अतिरिक्त चीज़ें होती हैं, इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। निश्चित रूप से आप परेशान मत रहिए, कंपनी में बहुत लोचा होता है मेरे भाई, ठीक है, आगे बताऊंगा मैं। सर CS पॉलिटेक्निक से क्या गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है, अनेक ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी जाते हैं, तो आप अगर CS किए हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा चांसेस होते हैं। CS वाले बच्चों को प्राइवेट में भी ऑफिशियल वर्क करते हैं और गवर्नमेंट क्षेत्र में भी ऑफिशियल वर्क करते हैं, तो उनके लिए बेहद ही फ़ायदा होता है। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, हर गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं हर विभाग में CS का क्रेज है। आप ऐसा मत सोचिए कि मिलेगा नहीं, मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा कि CS वाले किस किस विभाग में गवर्नमेंट क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है। तो परेशान मत रहिए, 100% मिलता है। अगर आप CS लिए हैं तो प्राइवेट क्षेत्र में भी आपको आराम मिलेगा आने वाले समयों में, और अपना ग्रोथ करना चाहेंगे तो आप कंपनी को समय देकर और ग्रोथ कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेरी है, सर MP पॉलिटेक्निक में क्लास कब से स्टार्ट होगा? क्लास अभी आगे, एक बच्चे ने कमेंट किया है कि 5 सितंबर से कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज के दिन आप जाइए कॉलेज में, वहाँ पे नोटिस लगा होगा, संपर्क करिए, एडमिशन कराइए, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करिए, तो कॉलेज जल्द ही आपको स्टार्ट होने वाले होंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से जल्द ही जाइए आप कॉलेज पर, संपर्क करिए, ठीक है। अगला क्वेरी है आपका कि सर हॉस्टल का टोटल फीस पर मंथ कितना देना पड़ेगा? दोस्तों इसके लिए आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर का हॉस्टल का कई वीडियो, 3 से 4 वीडियो मैं बनाया हूँ, तो निश्चित रूप से चारों वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं बता दूँ कि यहाँ थोड़ी सी बता भी दे रहा हूँ, पर मंथ आपको 2500 देने पड़ेंगे, ठीक है। पर मंथ आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे, ये होता है मेस का, ठीक है। बाकी आप अलग अलग फीस होती है उसके बारे में, सिक्योरिटी फीस होता है, हॉस्टल फीस होता है, क्या होता है, क्या हॉस्टल का स्कॉलरशिप कितना आता है, हॉस्टल का भी स्कॉलरशिप आता है जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ, वो कैसे क्या होता है, उसके लिए आप जाइए प्लेलिस्ट में, सारा वीडियो डिटेल वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेरी है आपका कि MP पॉलिटेक्निक GKP में हुआ है क्या? मेरा भी वहीं पर मिला है सिविल सेकेंड शिफ्ट, ठीक है भाई साहब, कह रहे हैं कि मेरा भी वहीं पे हुआ है सेकंड शिफ्ट में। भाई बस ये बताओ कि ऑनलाइन फीस 16,000 जमा करने के लिए दे रहा है, और ये जमा करने के कितने दिन बाद कॉलेज जाकर एडमिशन ले लें, और 16,000 ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कॉलेज फिर और फीस देना पड़ेगा तुरंत की बाद में, और कितना देना पड़ेगा? देखिए अगर आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ तो सेकंड शिफ्ट का जो फीस होती है टोटल फीस 26,000 है, ठीक है। आगे भी पहले आप इस वीडियो को अगर आप शुरू से देखे होंगे तो निश्चित रूप से 26,000 कुछ बच्चे जमा किए हैं सेकंड शिफ्ट वाले, तो आपका भी होगा, ठीक है। 16,000 दे रहे हैं, 3,000 पहले दें, 19,000 प्लस 5-6,000 और देना पड़ेगा आपको कॉलेज पर जाके, तो कॉलेज पर आप जल्दी से जल्दी चले जाइए, आज ही चले जाइए कॉलेज, ठीक है। तो जितने बच्चों का है कॉलेज जाएँ, कॉलेज नोटिस देखें, कॉलेज कब से प्रारंभ होगा, कॉलेज में एडमिशन लें, डॉक्यूमेंट वहाँ भी वेरिफिकेशन होता है, मिलाया जाता है, जैसा कि पिछला वीडियो आप जाके तुरंत देख लीजिए इसी चैनल पे, पिछला वीडियो महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक का जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको कॉलेज जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए नोटिस। अभी आगे ही बताए हैं कि बच्चे कमेंट किए हैं कि 5 सितंबर से कॉलेज प्रारंभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोग जाइए कॉलेज पर, संपर्क करिए, इसके लिए आप किसी के भरोसे नहीं रहना है, आपको कॉलेज जाना है, अब वहाँ पे सारी चीज़ों को देखना है, अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करना है, वेरिफिकेशन वहाँ पे भी होती है, जमा होता है टेम्पोरली, जितने भी होते हैं डॉक्यूमेंट आपके जमे होते हैं, एडमिशन होते हैं, नाम लिखाता है, और आपका अतिरिक्त फीस जो होती है वो जमा होती है, ठीक है। तमाम डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, पिछला दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और भी तुरंत फीस भी जमा होती है, और कॉलेज कब से आना है वहाँ पे एक बार और आपको बताया जाता है, ठीक है, कि कॉलेज अब से आएंगे, ऐसे अब से आपका सत्र प्रारंभ होगा इस दिन से, ठीक है। तो निश्चित रूप से जाइए आप टावर वगैरह को देख लीजिएगा महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेरी है आपका, भाई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की फ़ीस कितनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो है अधिकतर वो सेकंड शिफ्ट में ही चलती है, सेकंड शिफ्ट का एक ही बैच चलता है, तो उसके मान लीजिए 26,000, ठीक है, 26K यानी 26,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेरी है, मेरा 67,490 है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। 58,000 अभी देखिएगा आगे, 57,000 58,000 पे लोग गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर ले रहे हैं, तो फिर आप 67,490 पे प्रोडक्शन क्यों नहीं मिलेगा मैकेनिकल, 100% मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेरी है, सर मेरा अदर देन उत्तर प्रदेश है और मैं यूपी से हूँ, तो मेरे MP कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा काउंसलिंग के थ्रू। हाँ हाँ 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यूपी से ही हैं तो अदर देन से फॉर्म भरने की क्या आवश्यकता थी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा, काउंसलर के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। MP पॉलिटेक्निक लेने के लिए चॉइस किस तरह भरें, प्लीज़ रिप्लाई सर। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से भर सकते हैं आप MP पॉलिटेक्निक को, पहले भी भर दीजिए और का, और कोई चांसेस नहीं है, आपको 100% मिलेगा, 4th-5th काउंसलिंग के अंदर ही आपको मिल जाएगा। सर मेरा 67,000 रैंक है तो सिविल से एडिन मिल जाएगा क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई। मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि 4th-5th में आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 58,000 रुपये बच्चों को मिल जा रहा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, तो आपको 67,000 रुपये सिविल क्यों नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, 4th-5th आप काउंसलिंग कराइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है, सर मेरा 3rd राउंड में मैकेनिकल कैड मिला है, ठीक है, पर मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए MP में, ब्रांच चेंज हो जाएगा प्लीज सर। देखिए ब्रांच ऐसे चेंज नहीं होता है, कॉलेज पे ब्रांच चेंज का कोई भी मतलब ही नहीं होता, मैं पहले भी बता दिया कि ब्रांच चेंज नहीं होता है, आपको ऑप्शन ये चीज़ करनी है कि आप जाइए अपलोड का ऑप्शन का चयन करिए, आप फिर काउंसलिंग कराइए, उसके थ्रू फिर से इलेक्ट्रिकल ब्रांच लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपके 4th राउंड काउंसलिंग से आप नई चीज़ों का भी कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से 4th-5th में आपको मिल जाएगा, और कॉलेज पे ब्रांच चेंज होगा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपका क्वेरी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक कॉपी बहुत कॉपी, तो मैं बताया हूँ कॉपी आपका ब्लैंक पेज वाला, दोनों तरफ ब्लैंक जो रहता है वाइट पेपर ब्लैंक वाला, वो आपकी कॉपी लगती है। बुक के बारे में मैं जल्द ही वीडियो आपको आज ही शाम को वीडियो प्रोवाइड करूँगा कि आपको इलेक्ट्रिकल में सिविल में मैकेनिकल में सारे जितने भी ब्रांच हैं मुख्य मुख्य ब्रांच उनके बताऊंगा कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से बुक लगेंगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बुक आपको लाइब्रेरी से लेने हैं, कौन कौन से बुक आपको ख़रीदने हैं, ठीक है, ये निश्चित रूप से आपको जानना ज़रूरी है कि कौन से बुक आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा उपयोगी नहीं है, कौन कौन से बुक हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए और आगे कंपनियों के लिए अनिवार्य हैं, उन बुकों को मैं आपको प्रीफर करूँगा ख़रीदने के लिए, तो निश्चित रूप से आपको शाम को वीडियो प्रोवाइड होगी, उसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है कि यहाँ पे देखिए इनका एडमिशन हो गया है, एडमिशन सब डन सेकेंड शिफ्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, 26,000 कंप्लीट, 5 सितंबर से क्लास है। देखिए जो बच्चे पूछ रहे थे क्लास कब से, देखिए 5 सितंबर से क्लास स्टार्ट है, ठीक है। बुक एंड कॉपी, ड्रेस कोड, शूज, बेल्ट, ETC, डिटेल वीडियो। देखिए बुक के बारे में कौन सा आपका, हाँ इलेक्ट्रिकल, देखिए पहले भी लोग कमेंट किए हैं, आप ही किए हैं, तो इलेक्ट्रिकल का शाम को ही मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपका बुक वगैरह तो इलेक्ट्रिकल का शाम को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी की बात करें तो कॉपी ब्लैंक वाली होती है, कॉपी आपको हर इलेक्ट्रिकल मतलब कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर की सुविधाएं होती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ड्रेस की बात करें तो ऊपर का ड्रेस जो होता है, शर्ट जो होता है, वो वाइट रहता है। इसके लिए आप जाके महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, तो प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें ड्रेस भी आप दिख जाएगा, ठीक है। ड्रेस शर्ट में होता है आपका वाइट, पैंट होता है ब्लैक, शूज होता है ब्लैक, ठीक है। बेल्ट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो छिछोरे वाले बेल्टों को छोड़ के जो छिछोरा वगैरह पहनते लटकावट कर रखते हैं वो नहीं, एक फॉर्मल आपका ड्रेस एकदम फॉर्मल होगा, ये नहीं कि पैंट आधा काट दें, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं। हाँ आप समझ सकते हैं, जो कलर होगा शर्ट में वो कलर भी वाइट होना चाहिए, ये नहीं कि कलरफुल वो करा दें, वाइट ड्रेस है और वाइट शर्ट है आप करा लें, बटन जो कलर है वो कलर आप करा लें रेड वगैरह, ऐसा नहीं है, वाइट ही रहेगा। आप इसको ख़रीद भी सकते हैं, खरीद फॉर्मली आप शर्ट ख़रीद भी सकते हैं, या वाइट कपड़ा लेके आप सिलवा भी सकते हैं, पैंट को ख़रीद भी सकते हैं, या आप सिलवा भी सकते हैं, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं। शूज में फॉर्मल शूज रहे तो बेहतर है, फॉर्मल शूज आप खरीदिएगा, फॉर्मल कपड़े पहन के जाइएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं, आप जाके प्लेलिस्ट की सारी वीडियो को देख लीजिए। अभी अभी भी 200 वीडियो में उसमें ऐड किया हूँ, जो ब्लॉगिंग करता था पहले उसका वीडियो मैं ऐड कर दिया हूँ, ताकि आप सारी चीज़ों को वहाँ का ट्यूटोरियल वीडियो सारी चीज़ों को देख सकें। वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह भी लिया हूँ, वो सारी वीडियो भी आप देख लेंगे। ड्रेस कोड क्या है, सारी चीज़ों को आपको स्पष्ट दिखेगा, तो निश्चित रूप से आपको उसको देखना चाहिए। बहुत कमेंट आ गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बुक कॉपी, बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कॉपी कौन सा लिखना, लिखने के लिए कॉपी तो वही है ब्लैंक वाला, आपको बता दिया हूँ। जैसा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बुक लिस्ट इंग्लिश में लैंग्वेज में, ठीक है, ये मैं आपको शाम को आज ही प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत कमेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेरी है, भाई तुम केवल बोलते हो मिल जाएगा जाएगा, 55,000 है मेरा, अभी तक नहीं मिला, मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है। केवल एक भाई साहब कह रहे हैं कि भाई तुम केवल बोलते हो, मिल नहीं रहा, मेरा पूरा दिमाग ख़राब है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेंगे परेशान होंगे, ठीक है। चिंता चिता से बढ़कर है नरको निर्जीव बनाती है, चिंता जीते को खाती है, चिंता ही चिता जलाती है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, मैं आपके साथ हूँ ना, परेशान मत रहिए। आपका 55,000 है, अभी तक आपको महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक नहीं मिला है, लेकिन आपका ही कमेंट का रिप्लाई दिए हैं जो उनका मैं देखता हूँ। देखिए देखिए, आपको 55,000 पे नहीं मिला है, लेकिन इनको देखिए, मुझे बताओ कौन सा कॉलेज चाहिए। यहाँ पे देखिए, मुझे बताओ कौन सा कॉलेज चाहिए, हम बताते हैं, मुझे मिल गया है 58,000 रैंक पर गवर्नमेंट गोरखपुर। देखिए, इनको 58,000 रैंक पे मिल गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर का, और आपका कितना कितना है, 55,000 रैंक है, फिर आपको एमपी पॉलिटेक्निक नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, फोर्थ फिफ्थ के अंदर आपको मिल जाएगा, या तो फोर्थ में मिल जाएगा या तो फिफ्थ में मिल जाएगा, परेशान मत रहिए। इनको 58,000 पे गोरखपुर गवर्नमेंट मिल सकता है, तो आपको 55,000 पे एमपी पॉलिटेक्निक क्यों नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, धैर्य रखिए, ठीक है, 100% मिलेगा। नेक्स्ट क्वेरी है, सर एमपी पॉलिटेक्निक में सीएस नहीं मिला, रैंक है 37,737 थर्ड काउंसलिंग में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% फोर्थ काउंसलिंग में मिल जाएगा, थोड़े से धैर्य रखने की आवश्यकता है आपको, फोर्थ राउंड में 100% मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड में नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी है, सर मुझे थर्ड राउंड लखनऊ पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला है, बट मुझे उसी कॉलेज में सिविल ब्रांच चाहिए। देखिए, ऐसे नहीं होता है कि आप कॉलेज में हो गए या फिर उस वहीं से ब्रांच चेंज कराना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको फ्लोट का ऑप्शन करके अगले काउंसिल में भाग लेकर फिर उसी कला कॉलेज में आना है, तो आपको ब्रांच अलग चयन करना पड़ेगा, बस यही ऑप्शन होता है, बाकी और कोई तरीका नहीं है कि आप उसी कॉलेज में ब्रांच को चयन कर लें। ऐसा करने की आप कोशिश कर सकते हैं, प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेरी है, सर मुझे थर्ड राउंड में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर मिल गया है इलेक्ट्रिकल से, 2189 रैंक था। देखिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, और एक अच्छा रैंक था, मैं पहले भी आपको बताया था कि आपको 100% मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से एक अच्छा कॉलेज प्राप्त हुआ है, अच्छा ब्रांच प्राप्त हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा आप इस कॉलेज में पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉलेज पर जाइए, संपर्क करिए और वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करिए सारी चीज़ें, और कॉलेज कब चल रहा है, कब से नया सत्र चल रहा है, वहाँ पे जाके आप संपर्क करिए और अपने पढ़ाई को प्रारंभ करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है आपका कि हाय सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर हम लोगों का क्लास कब से शुरू हो जाएगा, 1 ईयर का सिविल इंजीनियरिंग का महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज गोरखपुर मिल गया है, आपके अंदाज से कब शुरू हो जाएगा, और सब शुरू जब शुरू होगा तो 1 ईयर का पूरा क्लास 1 साल में ही चलेगा कि 5 से 6 मंथ चलेगा। आपका एक जो चलता है 1 ईयर में जो होता है, सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होता है, ठीक है, 5-5 मंथ के होते हैं, एक्चुअली वो होता है 6 मंथ का, लेकिन आपको 5 मंथ ही मिलेंगे, ठीक है। 5 मंथ में 4 मंथ आपकी पढ़ाई होंगे, ठीक है, अगले महीने में 5वें महीने में आपका हो जाएगा पेपर, ठीक है, 4 महीने में हर महीने आपका सेशनल होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब सेमेस्टर यूँ ही निकल जाएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से बड़ा धैर्य से पढ़ाई करिएगा आप लोग, निश्चित रूप से शुरुआती दौर से ही मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिएगा, नहीं तो समय ही नहीं बचेगा कि पता चलेगा एग्ज़ाम आ गया
और आपका कोई तैयारी नहीं है, ताकि और उसके बाद बैक बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, बैक क्या होता है, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बैक क्या होता है कि सफिशियंट नंबर जितना होता है पासिंग का, उतना नहीं अपला पाते हैं तो बैक लग जाता है। तो बैक होता है, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा, तो वो जाके आप तीसरे सेमेस्टर में उसका पेपर देंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है विषम सेमेस्टर इसे बोलते हैं, ऑड सेमेस्टर, ऑड का ऑड में ही पेपर होता है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, निश्चित रूप से घबराइए मत। इसलिए शुरू से ही मेहनत करना है। और आप बात करें कॉलेज कब से शुरू होगा, अभी एक बच्चा कमेंट किया था कि सर फीस जमा हो गया, कॉलेज 5 सितंबर से प्रारंभ है। तो निश्चित रूप से आज के दिन आप चले जाइए, जल्दी से जल्दी आप अपने अपने कॉलेज पर जाइए और संपर्क करिए, कॉलेज कब से प्रारंभ होगा, डॉक्यूमेंट जमा करिए, पूर्णतः एडमिशन कराइए निश्चित रूप से। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जल्दी जाइए। बैंक वगैरह के बारे में आप परेशान मत रहिएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा, क्या होता है, तैयारी कैसे करनी चाहिए, ताकि यूपी बोर्ड की तरफ बिल्कुल नहीं लिखना होता है या सीबीएसई बोर्ड की तरफ बिल्कुल नहीं लिखना होता है, नहीं तो 100% बैक लगेगा। वही चीज़ें मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी नहीं बताने लगा तो पूरी पूरी कमेंटों का रिप्लाई भी नहीं दे पाऊंगा, टाइम भी ओवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है आपका, सर महाराणा प्रताप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड मिला है, क्या ये बढ़िया है, प्लेसमेंट होता है कि नहीं, इसमें ये करें या नहीं। देखिए, पढ़ने का ये अगर आपको इंटरेस्ट है तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैट जो है एक अच्छा ब्रांच है, मैकेनिकल भी इसमें पढ़ते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन भी पढ़ते हैं। अगर आप इसको मन से पढ़ लेते हैं तो आने वाले समयों में बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे प्राइवेट सेक्टर में भी। ठीक है, तो ये एक अच्छा ब्रांच है, अगर आपकी इच्छा हो तो निश्चित रूप से कर लीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको यही करना चाहिए, आपके इंटरेस्ट पर होता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक करना एक इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। नहीं इंटरेस्ट करेंगे तो आगे धोखा पाएंगे और आगे आपको मन नहीं लगेगा। तो निश्चित रूप से आपको जो अच्छा लगता हो वो करिए, जो आपको अंदर इंटरेस्ट हो कि नहीं मैं इस ब्रांच के लिए अच्छा हूँ, इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, उस हिसाब से ब्रांच का चयन करना अच्छा होता है। भैया, एडमिशन फीस 19,000 पे कर दिए हैं, कब तक कॉलेज जाना होगा प्लीज़ बताइए। कॉलेज तुरंत आप जाइए, ठीक है, कॉलेज तुरंत जाइए। सभी बच्चों को यही समझा रहा हूँ जिनका एडमिशन थर्ड राउंड तक काउंसलिंग, जिन बच्चों से काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज अलाट हो गया, वे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं, तो वो कॉलेज जाएँ, कॉलेज में संपर्क करें, नोटिस देखें और जल्द से जल्द उनका डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा होगा, सारी चीज़ें होंगी, पक्की एडमिशन होगी और वहाँ से फिर अपने कॉलेज को वो देखेंगे और सत्र जब से चालू होगा वो निश्चित रूप से जाएंगे। अभी अभी ऊपर कमेंट का मैं रिप्लाई दे रहा था, पता चला है कि 5 सितंबर से आप लोगों का कॉलेज प्रारंभ हो रहा है, तो 5 सितंबर से कॉलेज प्रारंभ हो रहा है तो बहुत कम ही समय है, निश्चित रूप से अपने अपने कॉलेज पर जाके आप लोग संपर्क करें। ठीक है, इसके लिए परेशान न रहें। नेक्स्ट क्वेरी है कि SFS क्या है, मतलब होता है भैया इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर SFS का कितना फीस लगेगा। देखिए, SFS का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस सीट होता है। इसके तहत ये होता है कि आप क्राइटेरिया को अगर पूरा नहीं करते हैं एडमिशन के लिए, फिर भी आपको कॉलेज वो अलाट होता है, तभी होता है जब आप फीस के दुगुने से तीन गुने या चार गुने आप पैसा उसको दे सकें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़े से फीस ज़्यादा लगते हैं, इसके तहत ये होता है। इसमें बहुत चांसेस कम होते हैं कि आपका स्कॉलरशिप आए। ठीक है, इस पर अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ, निश्चित रूप से इसको आपको लिंक इसका शेयर कर दूँगा आपके कमेंट के रिप्लाई में, तो आप इसके लिए परेशान ना रहें। लेकिन थोड़े से फीस ज़्यादा लगते हैं इसका, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। आप कितना ज़्यादा लगता है क्लियर नहीं है हम, लेकिन मान लीजिए 26,000 बच्चों का लग रहा है, हो सकता है आपका 30 से 32,000 लगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, थोड़े से फीस ज़्यादा लगते हैं, इतना समझ ले सकते हैं आप। ये जो सीटें खाली रहती हैं उनको आपका उसी पे हो जाता है कहीं ना कहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका वीडियो मैं आपको लिंक कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेरी है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या है। भाई, मुझे मिला है कॉलेज में। देखिए, ये एक मैकेनिकल का यही एक ब्रांच है, मैकेनिकल का ही एक ब्रांच है, जो मैकेनिकल कैड जिसे कहा जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसमें मैकेनिकल के बेसिक सिस्टमों के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें मतलब मैकेनिकल में क्या होती है, डिजाइनिंग क्या होती है, कैसे मशीन कार्य करते हैं, मशीन के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, किस पर्पज पे कार्य करता है, ठीक है, इसकी डायमेंशनल चीज़ें क्या क्या होती है, ये मैकेनिकल हो गया, साथ में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कैसे इसकी डिजाइनिंग होती है, कैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन को चीज़ें को डिजाइन किया जाता है, उस पर 3D पिक्चर कैसे बनाया जाता है, वो इस चीज़ें भी आप पढ़ेंगे। ये इससे पढ़ने से ये होता है, मैकेनिकल की चीज़ें भी आप जानेंगे और कंप्यूटर की भी चीज़ें आप जान जाएंगे, तो एक अच्छा ब्रांच है। ठीक है, अच्छा ब्रांच है।
नेक्स्ट आपका क्वेरी है सर, जलना से हूँ, 1 लाख रैंक है, फोर्थ राउंड में कॉलेज मिल जाएगा? हाँ जी, फोर्थ राउंड में मिलने की संभावनाएँ बहुत अधिक है, अगर नहीं मिलना है तो फिफ्थ राउंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है, थैंक यू सर, मुझे 57,000 पर गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे देखते रहिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं, थैंक यू सर, 57,000 रैंक पर गवर्नमेंट गोरखपुर मिल गया है थर्ड काउंसलिंग में, बस ये बता दीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट प्राइवेट डॉक्टर का चाहिए या गवर्नमेंट, आप अधिकतर रहे कि आप सदर से कराइएगा या आपके क्षेत्र जो सरकारी अस्पताल होते हैं उन सरकारी अस्पतालों से करा लीजिएगा, जानते हैं वहाँ कुछ होता नहीं, बस आप कह दीजिएगा एडमिशन के लिए मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, जो ही आप बोलेंगे एडमिशन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट देना है, 100 रुपये देंगे ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको कुछ निकालना नहीं, ना ही ब्लड निकलेगा ना ही कुछ चेकिंग होगी, 100 रुपये में बन के तैयार हो जाता है, आराम से आप वो चीज़ें जमा कर सकते हैं, सारे बच्चे ऐसे ही कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको कंपनी में मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है वे चीज़ें आपको पैसे देकर प्राइवेट में या सरकारी अस्पताल में कराने होते हैं, प्रॉपर ब्लड वगैरह निकलता है, एक्सरे होता है, वो कंपनी के लिए होता है, लेकिन ऐसे कॉलेज के लिए 100 रुपये देना होता है, ऑटोमेटिक साइन वगैरह करके फिलअप उलप करके दे देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होता, वो चीज़ें जमा हो जाती है, उतना हल्का फुल्का वो देखते हैं कि है कि नहीं मेडिकल सर्टिफिकेट, बस फिटनेस सर्टिफिकेट, बस उसको क्लियरली नहीं देखते हैं लोग, हाँ ठीक है, तो सब बच्चे ऐसे ही कराते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी इसी तरीके से करा लीजिएगा, कॉलेज में देना है बस, वो ऐसे बहुत से सरकारी अस्पतालों में होता है, वे लोग जानते हैं, कुछ होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है सर, मुझे मैकेनिकल कैड मिला है एमपी में, पर मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, क्या मुझे फोर्थ राउंड में मिल जाएगा एमपी में? हाँ जी हाँ जी, इसके हिसाब से अगर रैंक बताए होते तो थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होती, लेकिन अगर आपके रैंक अच्छे हैं यानी मैकेनिकल कैड मिल गया है तो संभावनाएँ हैं कि आपको फोर्थ राउंड में वो कंप्यूटर साइंस में मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है सर, मेरा रैंक 67,000 है, बट सर मुझे थर्ड राउंड में भी एमपी पॉलिटेक्निक नहीं मिला, इलेक्ट्रिकल सेकंड शिफ्ट, प्लीज़ सर हेल्प। यहाँ पे देखिए आप ये कह रहे हैं कि प्लीज़ सर हेल्प, एंड सर कितने राउंड में मिल जाएगा? 100% फोर्थ राउंड में मिल जाएगा, फोर्थ फिफ्थ में सबको कॉलेज मिल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी है सर, सर मैंने फ्रीज कर दिया है, मैंने फीस पे कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा है, आप उस कॉलेज में अगर पढ़ना चाहते हैं तभी आप फीस जमा किए हैं, तो निश्चित रूप से आप उस कॉलेज में जाइए, अब वहाँ का जानकारी लीजिए कब कॉलेज प्रारंभ हो रहा है, कब से आपका सत्र प्रारंभ हो रहा है, डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा होगा, सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, अगर महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में पढ़ने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, पिछला वीडियो में आप जाके देख लीजिए, तो सारी चीज़ों को सारे कॉलेज जितने बच्चों को कॉलेज प्राप्त हो गया है अभी तक वे अपने अपने कॉलेज जरूर चले जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है सर, महाराणा प्रताप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड कैसा है, प्लेसमेंट होता है कि नहीं, करना चाहिए या नहीं, प्लीज़ सर रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। देखिए दोस्तों, ऐसे बात करना कि कैसा ब्रांच है, ब्रांच एक बढ़िया है, इसमें मैकेनिकल और कैड कंप्यूटर डिजाइन भी दोनों सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर और मैकेनिकल का एक बहुत अच्छा दोनों का सामंजस्य है, तो ये एक अच्छा ब्रांच है, ठीक है, तो आपको ये ब्रांच करना चाहिए अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है, आप अगर इसके अलावा भी दूसरा चाहते हो तो आपके मन की पसंद होगी, लेकिन ये ब्रांच अच्छा है, प्लेसमेंट भी इसका होता है, तो निश्चित रूप से ये ब्रांच अच्छा है, क्योंकि आपका नॉलेज कंप्यूटर पे भी हाथ से सही रहेगी, प्रैक्टिकल वगैरह दबाक होते हैं इनमें, ठीक है, तो ये एक अच्छा ब्रांच है, आपको करना चाहिए, प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट हर कॉलेजों में होता है, ठीक है। बात करें प्राइवेट सेक्टरों में भी इसके जॉब अपॉर्चुनिटी एकदम मैकेनिकल के बराबर ही होते हैं, ठीक है, साथ में आपको टेक्निकल रूम में भी काम करने का ऑप्शन मिल सकता है, मैनेजमेंट पे भी काम करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेरी है आपका कि एमपी पॉलिटेक्निक में सीएस नहीं मिला थर्ड राउंड में, तो निश्चित रूप से आपको फोर्थ राउंड में मिल जाएगा, फोर्थ राउंड काउंसलिंग में भाग लीजिए। नेक्स्ट क्वेरी है सर, मुझे थर्ड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला है, कब तक मिलेगा? मेरा रैंक 1,06,000 है, तो देखिए आपको फोर्थ राउंड में भी संभावना हल्की सी कम है, लेकिन फिफ्थ राउंड में आपको मिल जाएगा, यानी फोर्थ या फिफ्थ में से आपको किसी में एक कॉलेज अलाट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है सर, मुझे एमपी पॉलिटेक्निक गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल मिल गया है सेकंड शिफ्ट में, लेकिन सीएस नहीं, क्या इलेक्ट्रिकल ब्रांच सीएस से अच्छा होता है? देखिए इलेक्ट्रिकल से जहाँ तक की बात करें, इलेक्ट्रिकल से जो होता है उसके गवर्नमेंट जॉब उसके ज़्यादा निकलते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से,
थोड़े से ज़्यादा देखिए, ये इन्हीं इन्हीं ब्रांचों से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, ये तीनों ब्रांचों से ज़्यादा निकलती है वैकेंसी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन CS एक अच्छा ब्रांच है, ऐसे तुलना नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रिकल और CS में। लेकिन आने वाले युगों में और जो चीज़ें चल रही है आधुनिकता को देखते हुए, मॉडर्न युग को देखते हुए, CS एक अच्छा ब्रांच है और आगे भी अच्छा ब्रांच, इससे कहीं आगे निकलने वाला है। क्योंकि CS ही ऐसा ब्रांच है जो आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल को भी ख़त्म करने वाला है, मैकेनिकल को भी ख़त्म करने वाला है, बुरा मत मानिएगा। क्योंकि रोबोटिक्स की दुनिया आ रही है अब, ठीक है, स्वनियंत्रण पर कार्य हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब CS का ही योगदान है। तो निश्चित रूप से CS एक अच्छा ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल से बेहतर हो सकता है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा जो आप करना चाहें वो अच्छा है। EMP प्लेसमेंट कितना है इलेक्ट्रिकल का? देखिए, इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट की बात करें, रोजगार मेले लगते हैं, कईयों मेले लगे हैं 2022 के अंतर्गत, तो जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए है। हमें लगता है इलेक्ट्रिकल के 15 से 16 बच्चे गए थे मॉर्निंग शिफ्ट के, ऐसे ही इवनिंग शिफ्ट भी गए होंगे, यानी 30 बच्चे ना मैक्सिमम गए होंगे, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है, इनसे कम भी गए हो सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप जाना चाहें कि नहीं। लेकिन जब ही आप सुनेंगे कि सैलरी इतनी कम है तो कोई जाना नहीं चाहता है। ठीक है, सैलरी पॉलिटेक्निक से बहुत कम मिलती है, कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेरी है कि सर, मैं अभी क्लास 12th में हूँ CBSE से, और मैंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, तो मुझे लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो क्या मैं दोनों कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो TC कैसे मिलेगी इसको से, क्योंकि 12th भी और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी लेना है, तो कैसे क्या करें प्लीज़ बता दीजिए। ये थोड़ा सा आप दुविधा वाली बातें कर दिए हैं। ठीक है, दोनों पॉसिबल बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि गवर्नमेंट मिला है आपको, अगर लखनऊ का प्राप्त हुआ है तो निश्चित रूप से आपको TC देना ही देना होगा, समझ रहे हैं इन बातों को, बिना TC के वो एडमिशन ही नहीं लेंगे। तो आप अपने कॉलेज पे या संपर्क कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। मुझे तो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो गई, थोड़ी दुविधा वाली बात हो गई, क्योंकि TC जमा करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आप कॉलेज पे संपर्क करें कि कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर वो प्रिंसिपल बिना TC के करेंगे ही नहीं, ये तो बड़ा दुविधा वाली बातें आप कर दी हैं। ठीक है, अपने कॉलेज पे संपर्क कर सकते हैं जहाँ इंटर आप कर रहे हैं, इंटर भी करना अनिवार्य है आपको, तो ये अगर आप चाहें तो 1 साल रुक सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा ये बेहतर होगा, क्योंकि आप 12th पास करके वो करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि 12th बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए करना। ठीक है, जैसे अभी आप अगर लखनऊ का गवर्नमेंट प्राप्त कर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से अगले साल भी आप प्राप्त कर लेंगे, मेरे ख्याल से आपके अंदर इतनी क्षमता है, तो आप देख सकते हैं, कॉलेज पे बात कर सकते हैं क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी इस बार ही हमें लगता है कि आपको इंटर करना चाहिए, मतलब 12th की पढ़ाई करनी चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए, अगले साल आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए। इस बार ही आपको लखनऊ मिल गया है, तो निश्चित रूप से मेहनत और करेंगे, आप अगली बार भी पा जाएंगे निश्चित रूप से। और कोशिश आप ये करिएगा कि 12th कर ले रहे हैं तो के ग्रुप से आप भर के लेटर एंट्री में प्रवेश लीजिएगा, पॉलिटेक्निक ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेरी है सर, थैंक्स सर जी रिप्लाई देने के लिए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कि आप लोग जब मैं सोचता हूँ आप लोग परेशान ना हो किसी प्रकार के, सभी के कमेंटों का, इसलिए मैं रिप्लाई देते रहता हूँ। नहीं तो 1 घंटे खड़े होकर ऐसे वीडियो बनाना या जो भी है, असुविधा होती है मुझे हर चीज़ों चीज़ें करने में अपने समय का। आप सोच रहे हैं जो बंदा कंपनी में काम करता है और बाहर की दुनिया में रहता है, इतनी मेहनत करता है बंदा, उसके बावजूद भी अपने समयों का 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके लिए ही मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट करते हैं आप लोग, तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मतलब किसी वजह से नहीं आपको मदद कर रहा हूँ, बस इस वजह से मेहनत कर रहा हूँ कि आपका हेल्प हो पाए। ठीक है, तो मैं हमेशा कोशिश आप लोगों के लिए अच्छा करता रहता हूँ, मैं हमेशा अपने फीलिंग भी शेयर करते रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मुस्कुराते रहिए, बस ये दुआ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है आपका सर, आप अपना बताइए, आपको कितने मार्क्स मिला था और कितने रैंक था और कौन से राउंड में निकला था आपका? देखिए, मैं भी महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में पढ़ा हूँ, तकरीबन 200 था जब उस समय निगेटिव मार्किंग था, मैं जितने भी क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, मैं 100 पे ही टिक करके चला आया था, तब भी मेरे 200 के तकरीबन नंबर थे। रैंक हमें याद नहीं आ रहा है, 200 के हिसाब से देख लीजिए,
क्योंकि हमारे दोस्त वगैरह महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे, मैं फर्स्ट राउंड में ही महाराणा प्रताप डाला था फर्स्ट पे ही, तो हमें फर्स्ट पे ही मिल गया और हमने वहीं पढ़ाई कर लिया। बाकी हम चाहते तो हमें शायद सेकेंड में भी, सेकेंड थर्ड में 100% गवर्नमेंट मिल जाता, लेकिन हम हैं जनरल कैटेगरी से, थोड़ा मुश्किल भी था। ठीक है, तो उस समय मिल भी सकता था गवर्नमेंट, नहीं भी मिल सकता था, हम परेशान होना उचित नहीं समझे। हमने क्या किया कि महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में ही प्राप्त कर लिया, तो निश्चित रूप से सभी को आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक्स सर मेरे कमेंट का रिप्लाई देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगला कमेंट है कि फर्स्ट राउंड में पेमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर फर्स्ट राउंड में पेमेंट नहीं हुआ तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप अगले काउंसलिंग में भाग लीजिए, फ्लोट का ऑप्शन का चयन करिए। ठीक है, फोर्थ राउंड काउंसलिंग में प्रोसेस पे वीडियो बनाइए, निश्चित रूप से वीडियो प्रोवाइड होगा, आप लोग फोर्थ राउंड काउंसलिंग में भाग लीजिए। नेक्स्ट क्वेरी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बुक लिस्ट दे दीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में। जरूर जरूर, आज शाम को ही वीडियो प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेरी है सर, गोरखपुर में ऑल कॉलेज लिस्ट गोरखपुर एड्रेस सर प्लीज़ मेक अ बुक लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। देखिए, इसका वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड होने वाला है, जैसा कि सभी लोगों का एडमिशन हो गया है तो ये चीज़ें बताना उचित नहीं है। आपको दो मुख्य कॉलेज होते हैं जिनमें एडमिशन गोरखपुर में लेना चाहिए, बाकी सब प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेजों में तो आप बिना एग्जाम दिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिए भी एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप या तो महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में पढ़ लीजिए, या तो गर्ल्स पॉलिटेक्निक, अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ लीजिए, नहीं तो आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दोनों की पढ़ाई होती है तो दोनों आप कर सकते हैं, या गर्ल्स हो या बॉयज़। ठीक है, के तीन कॉलेज हैं, गर्ल्स के लिए एक अलग से भी कॉलेज है, तो निश्चित रूप से उन्हीं चीज कॉलेजों में से आपका चयन होना चाहिए, नहीं तो और सब तो कॉलेज ठीक है, एवरेज है। ठीक है, नेक्स्ट सर, मुझे दयाल बाग कॉलेज में जो ब्रांच चाहिए उसके अलावा किसी अदर ब्रांच में एडमिशन अलाट हुआ है, कैसे चेंज होगा? फ्लोट का ऑप्शन का चयन करिए, नेक्स्ट काउंसलिंग कराइए, उसके थ्रू ही चेंज होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कमेंट का रिप्लाई आप लोग ये दे रहा हूँ, ये दोनों कमेंट आप निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से आप लोग देखिएगा, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। माई फ्रेंड डूइंग डिप्लोमा एंड बीएससी एट द सेम टाइम फ्रॉम फर्स्ट ईयर, आई विल डू इट बीएससी प्राइवेट इन डिप्लोमा सेकेंड ईयर, मेक अ वीडियो ऑन सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो हम ग्रेजुएशन एंड आल्सो डिप्लोमा बात कर सकते हैं, तो गेट गवर्नमेंट जॉब, आई वांट टू प्रिपेयर एसएससी। देखिए, निश्चित रूप से आप अगर आप कर रहे हैं पॉलिटेक्निक के साथ, आप बी ए बी एस सी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही स्कॉलरशिप आएगा। ठीक है, मैंने भी खुद ऐसे ही किया था, ये चीज़ें थोड़ी सी गुप्त रूप में रखी जाती है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, कौन इतने अंदर आके वीडियो देखेगा मेरा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आप लोगों की आवश्यकता की बात है, तब आप आए हैं, कोई इतना पागल नहीं है इतना अंदर खोजने आए इन चीज़ों को। तो निश्चित रूप से आप पॉलिटेक्निक के साथ एक अलग से प्राइवेट या रेगुलर भी आप लोग कर सकते हैं, अगर आपका व्यवस्था हो तो बी ए बी एस सी कर लेंगे। इससे ये होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप जो ही पॉलिटेक्निक 3 साल का पूरा करेंगे, वही 3 साल का आपका वो भी पूरा हो जाएगा, ग्रेजुएशन का भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक के कोर्स है, इससे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त नहीं होती है, मान्यता नहीं प्राप्त होती है, वही चीज़ें आप अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं साथ साथ में तो आपके लिए बेहतर होगा, एग्ज़ाम कभी लड़ता नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, निश्चित रूप से आप कर लेंगे, साथ में ग्रेजुएशन हो जाएगा, ताकि आने वाले गवर्नमेंट जॉब को भी आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी में ये सबसे बेहतर रहेगा कि आप तैयारी साथ में तैयारी भी करते रहें, ताकि आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लें, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ सभी बच्चों को। हाय मिश्रा सर, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, शुड आई डू प्राइवेट बी ए एंड बी एस सी डिग्री, बिकॉज डिप्लोमा इज अ नॉट डिग्री नॉट एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एस एस सी, मेक अ फुल वीडियो डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन डिग्री बोथ एट सेम टाइम, बी टेक के लिए पैसा नहीं है, बिकॉज ऑफ फैमिली डिप्लोमा बाद जॉब करना ही पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से आपको कर लेना है, सभी बच्चे को भी यही सलाह देते हैं, जिनकी इच्छा हो वे पॉलिटेक्निक के साथ बी ए बी एस सी भी कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप केवल पॉलिटेक्निक का ही लीजिएगा, क्योंकि बी ए बी एस सी की जो स्कॉलरशिप होती है कम आती है, तो निश्चित रूप से आपको कॉलेज स्कॉलरशिप फॉर्म पॉलिटेक्निक वाला ही भरना है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में आपको टेबलेट भी मिलेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको अपॉर्चुनिटी यहीं लेनी है, स्कॉलरशिप भी यहीं का लेना है, टेबलेट भी यहीं का लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है सर, बस एमपी पॉलिटेक्निक की सारी डिटेल बता दीजिए। सच्चाई सच्चाई यही है कि एक एवरेज कॉलेज है। ठीक है,
बाकी सारा इसका डिटेल वीडियो आने वाले हैं जल्द ही, क्या चीज़ें लगती है। आपको इसके बारे में और बृहद जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट पे महाराणा प्रताप गोरखपुर पॉलिटेक्निक का एक प्लेलिस्ट बना है, उसी के सारे वीडियो अपलोडेड हैं। सारे वीडियो को उसको देखिए, ब्लॉगिंग का भी वीडियो है तो निश्चित रूप से उसको देखिए। कॉलेज एवरेज कॉलेज है, ठीक है। अगर आप अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अनुशासन है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको खुद पढ़ना होगा, ये जान सारी चीज़ें जान लीजिए, ठीक है सर। आल पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ गोरखपुर प्राइवेट गवर्नमेंट, अरे सबका लिस्ट प्लीज़। देखिए अब टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, मुझे नहीं लगता है ये चीज़ें अब बताना संभव है। बस इतना जान लीजिए कि गवर्नमेंट या लीजिए, गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा है अगर गोरखपुर में ही केवल पढ़ना है तो गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा है तो एमपी में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। और कोई चांसेस नहीं है, प्राइवेट से तो एमपी बेहतर है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट होता है, ठीक है। कहीं का गवर्नमेंट मिले आप गवर्नमेंट कर लीजिए, नहीं तो अगर आपकी मजबूरी है कि गोरखपुर में ही पढ़ाई करनी है तो या तो गवर्नमेंट आपको मिले या तो महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक मिले, ठीक है। ये पूछ रहा हूँ भाई साहब आपका प्लेसमेंट हो गया है सर जी, प्लीज़ बताइए। देखिए प्लेसमेंट बहुत बच्चों का हुआ था, मैं उस समय मेरे काम चल रहा था मेरे घर पर कुछ, तो मैं प्लेसमेंट के थ्रू नहीं आया हूँ, लेकिन मैं किसी अलग थ्रू आया हूँ, मेरे दोस्त काम करते थे उनके थ्रू आया हूँ, मैं लगा हूँ, ठीक है। मैं जॉब करता हूँ और एक अच्छी खासी जॉब है, इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। कितने सैलरी पैकेज है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, किस डिपार्टमेंट में कार्य करता हूँ, कौन सा कार्य करता हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा। कंपनी में कार्य क्या करना होता है, ऑल वीडियो आपको ऑल डिटेल वीडियो प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेरी है सर, पॉलिटेक्निक वालों को कंपनी में क्या करना होता है, इसके लिए मैं वीडियो ज़रूर ही बनाऊंगा, 100% आपको वीडियो प्राप्त होगा। और जल्द ही इसका जो ही ये काउंसलिंग की प्रक्रियाएँ सभी बच्चों का समाप्त हो रहा है और जो ही आप लोगों का सत्र प्रारंभ हो रहा है, उसके बाद जो ही मैं सिलेबस वलेबस डाउनलोड करने के बाद, मतलब भेजने के बाद आप लोगों के पास सारा चीज़ें, न्यू बच्चों का जितना है एडमिशन कराने के बाद जो ही ये लोग अपना पढ़ाई प्रारंभ कर देंगे, तो ही मैं पॉलिटेक्निक का बताऊंगा कि क्या करना होता है, असलियत क्या है, सारी सच्चाई को बताऊंगा। लेकिन इतना जान लीजिए पॉलिटेक्निक के दौरान आप तैयारी करते रहेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिनकी हाइट हो निश्चित रूप से फोर्स की लाइन की आप तैयारी कर सकते हैं, SSC GD वगैरह का तैयारी 100% कर सकते हैं, एयरफोर्स से संबंधित कर सकते हैं, जिनका एज है NDA का कर सकते हैं, मतलब आप तैयारी गवर्नमेंट जॉब पे जल्दी फोकस करिएगा, आने के क्योंकि प्राइवेट में टिकना इतना आसान नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोलना है आई हैव कम्प्लीटेड माई डिप्लोमा इन मैकेनिकल, निश्चित अगर आप करनी है तो निश्चित रूप से आपको जॉब करने की ज़रूरत है, अगर आपको जॉब नहीं करना है तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, मैं आपको कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर दूंगा, ठीक है। ये कह रहे हैं आप जॉब कर रहे हैं, जॉब रिलेटेड वीडियो बताइए बनाइए, ठीक है। 100% मैं आपके साथ हूँ और इससे रिलेटेड वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊँगा, जरूर प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। जो ये कमेंट आपको ज़रूर पढ़ना है, चोर है सरकार, ये बात मैं जानता हूँ। इस बार अभी आधा स्कॉलरशिप दी है, सिर्फ 12,000 फीस, यहाँ पे देखिए फीस 26,700 दिए हैं। आप पैसा ना होने के कारण शायद डिप्लोमा छोड़ा, देखिए डिप्लोमा मत छोड़िए, डिप्लोमा आप लोग करिए, ठीक है। देखिए 26,000 जमा किए हैं, इनको 12,000 ही दी है, तो ऐसे में अब क्या ही किया जा सकता है। मैं बताया था पहले महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, केवल महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक एडेड कॉलेजों में या प्राइवेट कॉलेजों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो सैलरी आप दे रहे हैं, स्कॉलर फीस जमा कर रहे हैं, उसका 12,000 ही आ रहा है, बहुत कम ही आ रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, बजट उजट का लोचा है कि क्या लोचा है। नेक्स्ट क्वेरी है प्लेसमेंट होता है MPGKP में, हाँ जी हाँ बिल्कुल प्लेसमेंट होता है 100%, हर ईयर में 2 से 3 जॉब फेयर भी हो जाते हैं, अच्छी खासी कंपनियाँ आती है, अगर आप जॉब करना चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय से करेंगे तो मिल जाएगा, हम बिहार से हैं, मुझे UP से ग्रेजुएशन करना है, स्कॉलरशिप भी चाहिए, हाँ केंद्रीय विद्यालय से करेंगे तो 100% आपको मिलेगा, जो केंद्र सरकार वाली होती है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उसके तहत भरेंगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। पैसा कितना लगेगा, देखिए अलग अलग चीज़ें होती है, हाँ 19,000 आपको मॉर्निंग वाले लगते हैं, जबकि 26,000 आपको सेकंड शिफ्ट वाला लगता है। कितना भी रैंक हो तो मिल जाएगा, 2 लाख रैंक रहेगा तब भी, हाँ जी हाँ 2 लाख रहेगा तब भी आपको मिल जाएगा कॉलेज कहीं का, ठीक है। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल गया है तो मुझे अच्छा लगा। कौन सी ब्रांच बेस्ट है, वैसे सभी ब्रांच बेस्ट हैं, जो आपको मन पसंद है वो ब्रांच, जिसका आपका मन में इंटरेस्ट हो वो ब्रांच आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, सभी ब्रांच बेहतर हैं, ठीक है। भाई CS SFS में स्कॉलरशिप मिलता है क्या, देखिए SFS वाले को थोड़े से
चांसेस कम रहते हैं आने के स्कॉलरशिप। बाकी इसका डिटेल वीडियो बनाया हूँ निश्चित रूप से, SFS GIS क्या होता है, कितने स्कॉलरशिप आते हैं नहीं, आप वीडियो को खोज लीजिए निश्चित रूप से, या मैं आपको कमेंट में रिप्लाई का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ आपके रिप्लाई में, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, ये भाई का कमेंट कर रहा है कि सर मैं नेट्स ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अच्छा है या नहीं? बहुत अच्छा, ट्रेनिंग कोई भी करे आप बहुत अच्छा है, आगे क्या करूँ? देखिए, जो भी ट्रेनिंग करते हैं या अप्रेंटिसशिप करते हैं वे उनको करना चाहिए, आगे उनको फिर कंपनी में जॉब ढूंढना चाहिए, अगर कंपनी में जॉब मिल जा रहा है तो उनको जॉब करना चाहिए, फिर वहाँ से आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आगे की तैयारी करनी चाहिए और आगे बेहतर कंपनी में सुपरवाइजर इंजीनियर आगे की पोस्ट पर पढ़ते रहना चाहिए, ये उनके लिए बढ़िया होता है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है आपका, सर सिविल फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं, जल्द ही आपका अपलोड होगा वीडियो। ठीक है, MP में एडमिशन करना है, निश्चित रूप से आप काउंसलिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है, सर MP का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ कितना नंबर चाहिए सर कि MP कॉलेज मिलेगा? सर 100% आपको मिल जाएगा, जिन बच्चों का 200 नंबर है या 180 प्लस है उनको 100% इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी है, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक आपका पॉलिटेक्निक वाला क्वेरी था, तो निश्चित रूप से सभी की क्वेरी का मैं जवाब दिया, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आपके वीडियो को जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो को जरूर देख लीजिएगा यहाँ तक लास्ट तक, कॉलेज पे जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज अलाट होगा निश्चित रूप से वो कॉलेज चले जाएँ और अपने कॉलेज से संपर्क करें और कब से कॉलेज जाना है ये सारी जानकारी इकट्ठा करें, ड्रेस सिलवाने और कॉलेज को जाएं। ठीक है, निश्चित तौर पे कोई भी और क्वेरी छूट गया हो या क्वेरी आपके मन में हो तो निश्चित रूप से पूछ लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चैनल पर न हूँ तो सब्सक्राइब